स्टोरी सुननी होती है। राजा पैसे चुपचाप लेटे हुए हो। चलो ना गाना गाएंगे, डांस करेंगे। पर क्यों नहीं, मुझे लॉरी भी चाहिए, डांस भी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। चीकू एक थप्पड़ खींच के लगाओगी, चुपचाप से सो जा। सॉरी यार, आज हम दोनों तुम पति पत्नी के बीच में आ गए। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ सिर्फ मेरी बच्ची के लिए आई हूँ। लेकिन सुयश, तुम ना बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम दोनों की वजह से ना तुम दोनों का रिश्ता खराब ना हो। काश मैं भी मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई है और फाल्गुनी का भरोसा तोड़ा है। तुम्हें बेचारी में क्या बीत रही होगी? बेचैन सा हूँ, दिल की धड़कने जो तोते उड़े हैं। Because क्या? Because DNA रिपोर्ट आ गई है और बच्ची इन्हीं की है। गलती हो गई। मुझे एक्चुअली उस रात को कुछ याद नहीं है। याद ही नहीं, याद सब है मेरे को। और मेरे को और परिवार वालों को बुद्धू बनाने के लिए इन्होंने नया निकाला कि मेरे को कुछ भी याद नहीं। बिल्कुल याद नहीं है, फेयरवेल थी यार, दोस्तों के घर पार्टी कर रहे थे तो पता नहीं, फिर उसके बाद नहीं याद रहा। फिर ये कि मुझे अच्छे से सुलाओ, उस दिन आपने लोरी सुनाई थी, फाल्गुनी आंटी ने लोरी सुनाई थी, आपने डांस किया था, तो मुझे वैसे ही डांस करके दिखाओ और लोरी गा के सुनाओ। और अभी मूड ऐसा है कि यार या तो अपनी अपना डांस अलग ही चल रहा है, अपनी लोरी जिंदगी की चल रही है, तो मैंने उससे मना कर दिया कि बेटा आज नहीं, अच्छा थोड़ा थका हुआ। बोलती हैं कि सॉरी यार मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई दोनों, लेकिन हमारा कुछ ऐसा इरादा नहीं था। तो आई से कि एक्चुअली गलती तो मेरी है, मतलब मुझे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ये सब हुआ है। और मैंने एक तरफ घर फाल्गुनी का फाल्गुनी का जो है बच्चा भी आ गया साथ में, ट्रस्ट तोड़ा है कहीं ना कहीं। तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें शिहा गलत है। चीकू की क्या गलती? मुझे उसके आंसू नहीं देखे थे, इसलिए मैंने सोच लिया।